पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित है। साथियों, किसान सम्मान योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए जा चुके हैं। 1.25 लाख करोड़, 10 करोड़ किसानों के खाते में, कोई कटमनी नहीं, सीधा सीधा। बीते 3 वर्षों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी निभाई है। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही, किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। अब मैं जब आज बंगाल की धरती पर खड़ा हूं, बंगाल की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, बंगाल के वीरों की धरती पर खड़ा हूं, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल की पूरी राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दीवार बन के खड़ी है, लेकिन ये दीवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा भेजा जाएगा। आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना बंगाल में डबल इंजन के डबल बेनिफिट के साथ लागू होगी। साथियों, दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी सिर्फ तोलाबाजी दी है। दीदी की सरकार ने मत्स्यजीवियों के लिए बनाए गए प्रकल्प मत्स्य संपदा योजना को रोका। डबल इंजन सरकार इस योजना लागू करेगी ताकि मछली का व्यापार कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार मछुआरों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयनगर पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 3 साल जो किसान निधि रोकी गई किसानों की, वो सीधे बैंक खातों में जाएगी। 18,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में पहुंचेगा। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जैसे ही बंगाल में सरकार बनती है, बंगाल के विकास के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी जाएंगी। बंगाल में भ्रष्टाचार का खेला नहीं चलेगा। बंगाल में गरीबों को लूटा गया है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरा है।
किसानों को सम्मान निधि का लाभ जो अब तक नहीं मिला वो जल्द से जल्द मिलने वाला है। बंगाल की बीजेपी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भाइयों बहनों, रोबी ठाकुर ठीक ही बोल छेन, नाई नाई भय होबे होबे जॉय, नाई नाई भय होबे होबे जॉय, नाई 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 होबे 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 आपनारा ये पद्दो फूल फोटा बैन। आप भारी संख्या में कमल छाप पर मतदान करेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला, ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने जयनगर पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया है। दीदी ने यूपी बिहार का अपमान किया। जबरदस्त तरीके से ममता सरकार को घेरते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि मंदिर जाना गलत है क्या, ये मोदी ने जनता से पूछा है कि मंदिर जाने पर रोक लगाती हैं। बंगाल में खून का खेला अब नहीं चलेगा। बंगाल में खून का खेला ममता बनर्जी के द्वारा खेला जाता है, अब नहीं चलेगा। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सरकार बनते ही बंगाल में विकास की गंगा बहने लगेगी। उन्होंने कहा कि दीदी ने यूपी बिहार का अपमान किया है। मंदिर जाना गलत है क्या, जनता से पूछा पीएम मोदी ने। चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस बीच ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं पीएम मोदी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।